हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। हमारे सामने खड़ी है हीरो की सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक, जो कि बहुत सारे एडवांस फीचर के साथ आती है। तो इसके बारे में हम आज डिटेल में जानेंगे, साथ ही साथ इसका राइड रिव्यू करेंगे कि खराब सड़कों पे, अच्छी सड़कों पे, हाईवे पे ये कैसी चलती है, माइलेज कैसा देती है आपको, कंफर्ट कैसा देती है, और अपने सेगमेंट में, क्योंकि 125 सीसी सेगमेंट में बहुत सारे कॉम्पिटिशंस भी हैं, तो उसमें ये कहाँ खड़ी होती है। सबसे ज़्यादा आज के डेट में माइलेज जो है वो मायने रखती है सभी लोगों के लिए, क्योंकि पेट्रोल के दाम ज़्यादा है। तो उसके बारे में अभी हम खास डिस्कशन करेंगे कि ये गाड़ी कितनी माइलेज देती है। एडवांस के मामले में सभी लोग को अब कुछ नए नए फीचर्स चाहिए जो आपके राइड कंफर्ट को जो है वो बढ़ा दे। उसके लिए इसमें बहुत सारे एडवांस फीचर्स भी दिए गए हैं, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो आज के डेट की सुपर स्प्लेंडर पहले से बहुत अलग है, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। ये है हीरो की सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या क्या आपको नई चीज़ें मिल जाती हैं। अगर इसके हेडलैम्प से शुरुआत करेंगे हम, तो इसमें आपको अब मिल जाता है हाई इंटेंसिटी पोजीशन लैंप, जो कि एलईडी में होता है। तो जैसे ही बाइक को आप स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट होने के साथ इसमें आपको हाई इंटेंसिटी पोजीशन लैंप जो है वो ऑन हो जाता है, जो कि मैं आपको स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर दिखाता हूँ। तो ये जो लाइट है ये काफ़ी अच्छी रोशनी देती है। इवन आपका हाई बीम जो मेन पूरा सेटअप है इसका, ये आपको कम्प्लीट एलईडी में यहाँ पर ऑफर किया जाता है। पहले ये एलईडी में नहीं आती थी, जो कि अभी भी आपको मिल जाएगी अगर आप नॉर्मल सुपर स्प्लेंडर लेते हैं तब, लेकिन यहाँ पे आपको कंप्लीट एलईडी में मिल जाएगी। प्लस मैं आपको लाइट भी दिखा देता हूँ अलग अलग तरीके से कि कैसा लाइट करती है। उसके अलावा इसमें जो और एडवांस फीचर्स लगाए गए हैं, उसमें आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ। मतलब यहाँ पर सबसे पहले तो आप देखिए, जो यहाँ पर आपको हेलो लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, जैसे हेलो माई हीरो, तो इसमें आपका नाम शो करेगा। जो भी आपका नाम होगा आप अपना नाम सेट कर सकते हैं। मोबाइल ऐप उसके लिए इंस्टॉल करना होता है, जिससे आप ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें कॉल, मैसेज, अलर्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाएंगी। एक बार और मैं जानूँ उसके दो तीन बार, बैटरी परसेंटेज, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कॉल मिस, मैसेज, सब कुछ अलर्ट यहाँ पर आपको दिखाते रहता है। इसके साथ फर्स्ट टाइम इन सेगमेंट आपको यहाँ पे रियल टाइम माइलेज जो है वो इंडिकेटर यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये जो आप किलोमीटर पर लीटर ये देख रहे हैं, यहाँ पे माइलेज शो करेगा। जब आप बाइक को चलाते रहिएगा तो लगभग 50 की स्पीड पे आप सही माइलेज जो है वो गेस कर सकते हैं कि आपकी मोटरसाइकिल जो है वो कितना माइलेज दे रही है। तो यहाँ पर मिल जाता है। प्लस इस बटन को अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ट्रिप ए मिलता है, ट्रिप बी मिलता है, और ऑडोमीटर मिलता है। ये तीन चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। बाकी ये सारे इंडिकेटर्स यहाँ में मिल जाते हैं, जैसे साइड स्टैंड कटअप स्विच। तो साइड स्टैंड कटअप स्विच में ये भी फीचर आपको मिल जाता है कि अगर आपकी साइड स्टैंड लगी रहेगी तो आप बाइक को चला नहीं सकते हैं। इंजन माल फंक्शन लाइट, लो फ्यूल वार्निंग आपको यहाँ मिल जाता है। प्लस आप ये सारी लाइट जो है जब हम ऑन करते हैं तो यहाँ पर जलती हैं, उसके बाद जो है ऑफ हो जाती हैं। प्लस हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर स्विचेस, सब कुछ यहाँ पर आपको दिखाई देगा। इसके साथ आपको मिल जाती है i3s आइडल स्टार्ट स्टॉप। उसमें आपका क्या होता है कि जैसे ही आप बाइक को जो है वो 6 से 7 सेकंड तक जो है खड़ी रखते हैं तो आपका जो बाइक वो बंद हो जाता है, तो इसको ऑन ऑफ करते हैं। इसको भी हम प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे कि ये किस तरीके से काम करती है। तो इसको ऑन रखते हैं तो 5 सेकंड में बाइक बंद हो जाती है, जिससे आपका बहुत ज़्यादा जो है तेल जो है वो बचत होता है। तो पैसे बचाने के हिसाब से, यानी कि माइलेज ज़्यादा निकले आपकी बाइक से, उसके हिसाब से बहुत अच्छा इसको जो है वो डिज़ाइन किया गया है। इसके बारे में हम डिटेल में राइड के दौरान जानेंगे। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ट्यूबलेस टायर आगे मिल जाता है, और इसमें आपको दो वेरिएंट्स मिलेंगे, एक डिस्क वाला मिलेगा, एक बिना डिस्क वाला मिलेगा। तो दोनों वेरिएंट्स के दाम आपके सामने जो है वो लिखे हुए हैं, अभी का एक्स शोरूम प्राइस क्या आता है। तो डिस्क में लेने में क्या फ़ायदा है कि आपकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस जो है वो ड्रम वाला जो होता है उससे आपका ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर जो आपको मिलता है टायर वो ट्यूबलेस होगा, अलॉय व्हील आपको मिल जाता है ब्लैक फिनिशिंग में। बाकी अगर हम उससे थोड़ा पीछे आते हैं तो ये कलर जो है, ये आपको कलर दिख रहा है, इसमें आपको तीन कलर्स देखने को मिल जाएंगे। एक जो है कैंडी ब्लेजिंग रेड मिल जाएगा, जिसको हम रेड बोल सकते हैं, वो ग्लॉसीनेस में ही रहेगा, यानी चमक होगी उसमें, जैसे कि इसमें चमक नहीं है, ये एक मैट कलर है। इसके अलावा जो एक ग्लॉसी ब्लैक आपको मिलेगा, जो कि बिल्कुल चमकता हुआ ब्लैक कलर, जो प्योर ब्लैक होता है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो तीन कलर ऑप्शंस भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अगर ओवरऑल डिज़ाइन की बात करें तो पहले से आप ये आपको कलर दिखाई दे रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, क्योंकि इसका जो शाइनिंग है वो कुछ अलग है, और गंदगी कुछ पता भी नहीं चल रही है, क्योंकि हल्की सी गाड़ी गंदा भी है फिर भी कुछ पता नहीं चल रहा है। तो ये कलर मुझे खासी पसंद आया। और जो सुपर स्प्लेंडर लिखा हुआ है ये आपको क्रोम में भी मिलेगा, प्लस ब्लैक फिनिश भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा, तो ये भी काफ़ी अच्छी खूबसूरत लगेगी। डिज़ाइनिंग जो है वो एक्सट्रा के कारण थोड़ा सा अलग आपको करी हुई मिलेगी,
जिसमें ये जो लाइंस है ये आपको बहुत खूबसूरत यहाँ पे लगने वाली है, चाहे ये लाइंस भी अगर आप देखें तो भी, और यहाँ पे आपको हीरो लिखा हुआ मिलेगा प्रॉपर। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं इसके इंजन की, जो कि इंजन काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। तो इंजन आपको इसमें मिल जाता है 125 सीसी का, जिसमें आपको 10.7 पीएस का पावर और 10.6 न्यूटन मीटर का जो है टॉर्क मिल जाता है। टॉर्क पावर के साथ इसमें पांच गियर मिलते हैं, तो पांच गियर जब भी मिलते हैं बाइक के साथ तो ये समझ में आ जाती है कि हाईवे पे एक अच्छी स्पीड के साथ अगर हम चलते हैं बाइक के साथ तो हमें अच्छा जो है परफॉर्मेंस देती है। चलिए उसके अगर हम देखें तो यहाँ पे जैसा कि साइड स्टैंड कटअप से मिल जाता है, सेंटर स्टैंड और इस तरह से कुछ गियर शिफ्टर आपको मिलेगा। तो आप चाहें तो आगे भी, आपका गोल किया हुआ है तो आगे से फिर सिर्फ गियर शिफ्ट कर सकते हैं और पीछे आगे दोनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी से। उसके अलावा यहाँ पे आपका चैन जो है वो कंप्लीट कवर कर दिया गया है, और इधर लेडीज फुटरेस्ट, जो नॉर्मल फुटरेस्ट होता है वो, लॉन्ग सीट मिलती है आपको। बहुत सारी आपने बाइक्स देखी होंगी, उसके मुकाबले अगर इसकी सीट की लंबाई की अगर हम बात करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा लंबी सीट मिल जाएगी, और इसके जो सीट हाइट है वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है सभी लोगों के लिए, जो कि लगभग 793 यानी कि 5 फुट से ऊपर कोई भी व्यक्ति इस बाइक को आराम से चला सकता है, कोई ज़्यादा खास दिक्कत नहीं होगी। मतलब 5 फुट में दोनों पैर कंप्लीट तो नहीं पहुँचेंगे लेकिन उसमें दिक्कत खास नहीं होती है। उसके अलावा हम बात करें तो ये जो इंजन आता है वो E20 के साथ आता है, मतलब अभी जो OBD2 यानी BX6 का जो फेज 2 आ रहा है उसके साथ जो है वो कंपाइल्ड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टिकर भी लगाया गया है E20 यानी कि इथेनॉल 20% बाइक जो है वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। तो आपका बाइक एक फ्यूचर रेडी बाइक भी आपको यहाँ पे मिल जाती है, जो कि अपडेट यहाँ पे किया गया है। टायर पीछे भी आपको जो है वो ट्यूबलेस मिलता है, इसमें भी आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक ऑफर किया जाता है। साइज आपको ठीक मिल जाता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है टायर के साइज में। साइज वैसे मैं आपको बता भी देता हूँ कि इसमें आपको मिल जाता है 90-90-18 का टायर, 18 इंच का जो है वो ट्यूबलेस टायर मिलता है। इसका साइलेंसर जो है वो नॉर्मल जो आप सुपर स्प्लेंडर देखेंगे उससे थोड़ा आपको मोटा दिखाई देगा, मतलब थोड़ा अच्छा दिखाई देता है। यहाँ पे क्रोम प्लेट लगाई गई है पूरा, यहाँ पे भी एक गार्ड लगाया गया है ताकि किसी का पैर जो है वो जले ना। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो इधर भी लगाया गया है, इधर भी लगाया गया है, तो ये पूरी तरह से कवर की गई है सेफ्टी वाइज। और यहाँ पे एक किक स्टार्ट जो एज यूजुअल मिलता है वो मिल जाएगा, और ये एक प्रोग्राम्ड फ्यूल इंजेक्शन के साथ आती है। इसमें आपका बैक एंगल सेंसर भी आ जाता है कि अगर इन केस कभी आपकी बाइक जो है वो गिर जाती है, उन इस केसेस में आपकी बाइक जो है वो अपने आप बंद हो जाएगी, जो कि एक्सीडेंट के केस में सेफ्टी के लिए काम आती है। इस बाइक में आपको इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, मतलब अगर आप पीछे का ब्रेक अप्लाई करते हैं तो आगे का भी ब्रेक अप्लाई होता है। तो वो किस तरह से काम करता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये ब्रेक, इसको जब मैं अप्लाई करता हूँ तो देखिए ये एक वायर जो है वो मूव कर रही होगी, तो ये वायर जो है वो निकल के सीधे यहाँ पे आके जो है वो जुड़ती है, तो इसमें आगे यानी आगे के डिस्क में काम करती है। तो जैसे कि हम पीछे का ब्रेक अप्लाई करते हैं तो आगे का भी ब्रेक अप्लाई होता है, उसी के लिए देखिए यहाँ पे जो तेल का सिस्टम है यहाँ पे भी ब्रेक का जो है वो दिया गया है ताकि वो कम ना हो। तो यहाँ पे इस तरीके से पूरा सिस्टम दिया गया है, तो इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम को यहाँ पे काफ़ी एडवांस तरीके से जो है वो इसमें इंस्टॉल किया गया है। तो चलिए इस बाइक को हम चलाकर देखते हैं कि चलाने में कैसी है। उससे पहले मैं एक बात और आपको यहाँ पे ऐड कर देना चाहूँगा कि इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा आता है, जो कि 180 mm है, मतलब गाड़ी ज़मीन से तो कहीं नहीं टकराने वाली है। अगर आप कहीं भी जा रहे हैं तो 180 mm, और पीछे कुछ भी नहीं दिया गया है ऐसा, क्योंकि ये पीछे जो नीचे जो है वो पूरा कंप्लीट जो है वो मेन बॉडी का पार्ट है, तो कभी भी बाइक जो है ज़मीन से टकरा जाए ऐसी वाली प्रॉब्लम तो आपके साथ नहीं आएगी। क्योंकि 180 नॉर्मल आप देखेंगे तो 155-160 तक रहता है, लेकिन इसमें आपको 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो मिलता है। तो आइए इसके अप एंड डाउन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं इस बाइक को चलाने के दौरान। तो चलिए बाइक को चलाना शुरू करते हैं। चलाने के दौरान आप देख सकते हैं यहाँ पे एक USB चार्जिंग दिया गया है, तो आप मोबाइल जो है ऑन दो को यानी बाइक चलाते हुए चार्ज कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें जो i3S का डेमो मैं दिखाने वाला था, तो i3S के कारण बाइक बंद हो गई है। अगर मैं फिर से यहाँ पर क्लच अप्लाई करता हूँ तो बाइक स्टार्ट हो जाएगी, i3S यहाँ पर ऑन रहेगा। फिर से 5 सेकेंड लगभग होते हैं बाइक फिर से बंद हो जाती है और ये ब्लिंक करने लगती है, फिर हम क्लच दबाते हैं फिर बाइक स्टार्ट हो जाती है। इससे आपका बहुत पेट्रोल जो है वो बचता है। उसके अलावा चलिए हम इसके इंजन के साउंड को सुनते हैं, इंजन का साउंड कैसा है इसका। जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सीलेटर देने पे भी बहुत ज़्यादा इंजन का साउंड जो है वो सुनाई नहीं दे रहा है। चलिए इस बाइक को राइड करते हैं कि राइड क्वालिटी कैसी है और माइलेज के बारे में भी बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो कि 5 गियर आपको मिलते हैं, तो फर्स्ट गियर पर हम अगर चेक करें तो लगभग 25 और समथिंग स्पीड जो है वो चली जाती है, और 50-60 की स्पीड में जाना इसके लिए बहुत यहाँ पे टफ काम नहीं लग रहा है।
और उससे बड़ी बात है कि मैंने 50-60 की स्पीड तक इसको रेव किया, जो कि 60 की स्पीड में आप देख रहे हैं यहाँ पे चल रही है, लेकिन मुझे कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ यहाँ पे कि बाइक बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस है, मतलब कंट्रोल्ड है, कुछ ऐसा कुछ खास महसूस नहीं हो रहा है कि पैरे आपकी जो है वो पूरा जो वाइब्रेशन से जो है वो मिल जा रही है, ऐसा कुछ खास महसूस नहीं है। गियर जो है वो काफ़ी कंफर्टेबली जो है वो चेंज हो जा रहा है, पाँचवें गियर तक पहुंच चुका हूं मैं और गियर भी कम्प्लीटली जो है वो 1, 2, 3, 4, 5 जो है वो नॉर्मली जो है सही स्पीड में जो है अपने पोजिशन में पहुँच जाता है। बाकी बाइक को 60 की स्पीड में चलाना बहुत ही आसान काम है, यहाँ पर बहुत आसानी से चलती है, दिक्कत नहीं हो रही। और जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी बताती है बाइक, अगर आप 50-60 की स्पीड में चलते हैं तो आपकी बाइक कितना माइलेज लगभग दे रही है वो आपको यहाँ पे बताती रहती है। तो मैं इसको पहले प्रॉपर 50 की स्पीड में थोड़ी देर चलाता हूँ, क्योंकि थोड़ी देर चलाने के बाद आपको जो है यहाँ पर प्रॉपर जो सही माइलेज है वो आपको दिखाना लगेगा कि आपका माइलेज कितना दे रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि अभी हम लगभग 43 पे हैं, तो आइए इसको ले कर चलते हैं लगभग 55 की स्पीड तक। तो जब हम 55 की स्पीड तक आए तो देखिए यहाँ पे 76 का माइलेज दे रहा है, 67 का माइलेज दे रहा है, मतलब 70 के आसपास वेरी कर रहा है। कि अगर आप हाईवे पे बाइक को लेके चलते हैं लगभग 50 की स्पीड में चलाते हैं तो यहाँ पे जो कि 80 का दिखा रहा है, मतलब 70 से 80 के आसपास का जो है वेरिएशन यहाँ पर दिखाई देगा आपको। तो लगभग 70 का माइलेज अगर आप हाईवे चलते हैं आराम से गाड़ी चलाते हैं अच्छे कंडीशंस में तो आपको यहाँ पे मिल पाएगा। सिटी राइड में भी आपको 60-65 से ऊपर का ही माइलेज मिलेगा, जो कि जैसे कि ये भी सिटी ही है हमारा, मैं कोई हाईवे प्रॉपर तो चला नहीं रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे भी आपको सही माइलेज इंडिकेट करता है। प्लस माइलेज के लिए 2-3 चीज़ें आपको एक्स्ट्रा दी गई हैं इसमें। I3S से ट्रैफिक में जब भी आप बाइक खड़ी होगी तो बाइक बंद हो जाएगी, तो वहाँ पे आपका तेल बचता है और बाइक जो है बिल्कुल नए टेक्नोलॉजी पे फ्यूल इंजेक्शन के साथ आई है। प्लस ये OBD2 है जो कि इथेनॉल 20% लेगी, यानी उस OBD2 के साथ आई है, फ्यूल इंजेक्टेड बाइक है, तो उसके कारण भी आपका अच्छा खासा जो यहाँ पे तेल बचता है। इसी कारण से आपको लगभग 70 के आसपास का माइलेज अगर आप हाईवे पे अच्छे से बाइक चलाते हैं तो आपको मिल पाएगा। उसके अलावा इस बाइक की राइड क्वालिटी की हम बात करें तो राइड क्वालिटी इसकी ठीक लग रही है, हैंडल बहुत हल्के हैं, 122-123 kg के वजन के साथ ये बाइक जो है वो बहुत ही ज़्यादा फील नहीं हो रही है, हल्के हाथों में महसूस हो जाती है, बाइक में कोई भी अनकंफर्ट अभी तक महसूस नहीं हुआ है। थोड़ा सा इसको हम और हाई स्पीड चलाकर देखते हैं कि हाई स्पीड्स में इसका हैंडल का कंफर्ट कैसा है, वाइब्रेशंस लेवल कैसे हैं। तो चलिए 0 से हम शुरू करते हैं, कोई भी बाइक इसी तरह चलाना शुरू करता है। तीसरा गियर हम लगभग 30 के स्पीड में डाल चुके हैं, चौथा गियर लगभग 40 की स्पीड में और पाँचवा गियर लगभग 50 की स्पीड में डाल चुके हैं। तो अब देखते हैं इस बाइक को कि लगभग 70-80 तक इसका हैंडल जो है वो वॉबली होता है कि नहीं, हैंडल कुछ इधर उधर हिलने का कोशिश तो नहीं करता है। लगभग 90-100 की स्पीड तक इसका टॉप स्पीड भी जाता है। नब्बे तक की स्पीड पे गया बाइक, ऐसा कोई खास हिलने वाली बाइक में खुद में कोई अनबैलेंस वाली बात नहीं है। रोड जो कि अप एंड डाउन है वहाँ पे जंप दिखाई दे रहा था, लेकिन बाइक बहुत अच्छे कंट्रोल कर रही थी, क्योंकि इस वजन के साथ इस सीसी सेगमेंट में आपको, और पिकअप भी आपने देखा कि लगभग 90 तक का स्पीड जो है बहुत ही आसानी से इसने टच करना शुरू कर दिया था। सुपर स्प्लेंडर का ब्रेक कैसा परफॉर्म करता है, क्योंकि मेरे पास डिस्क वेरियंट है, तो अगर हम किसी भी स्पीड में जा रहे हों, जैसे कि अभी 50 के स्पीड में मैं जा रहा हूँ, अगर यहाँ पे मैं एक पावर ब्रेक अप्लाई करता हूँ तो बाइक आराम से रुक जाती है, और पीछे का ब्रेक आगे का ब्रेक दोनों ही अप्लाई मैंने आराम से किया है तो बाइक बिल्कुल स्लो, बहुत स्मूथली स्लो हो गई, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं हुआ। तो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस आपको डिस्क वाले वेरिएंट में अच्छा मिल जाता है, और मेरा प्रेफरेंस भी रहता है कि आप डिस्क वाली ही बाइक लें, जिसमें डिस्क ब्रेक अगर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है तो आप डिस्क ब्रेक वाली ही लें, उससे आपका ब्रेकिंग जो परफॉर्मेंस है वो हमेशा सही रहता है, स्टॉपिंग पावर काफ़ी अच्छा आपको मिल पाता है। और इस बाइक में एक चीज़ मुझे और अच्छा लगा जो कि मैं ऐड करना चाहूँगा, डिजिटल डिस्प्ले में आपका जब भी आप इसको ऑफ़ करके ऑन करते हैं, एक बार मैं फिर से इसको दिखा देता हूँ आपको, तो जब भी आप ऑफ़ करके ऑन करेंगे बाइक को तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे शो करेगा जो हेलो माय हीरो
वहाँ पे आपका कॉलर आईडी शो करेगा, मतलब कौन बंदा आपको कॉल कर रहा है उसका नाम जो आपके फ़ोन में सेव होगा वही नाम यहाँ पे दिखाई देगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छा फीचर मुझे ये लग रहा है जो कि हीरो ने आपको दिया है इस डिजिटल डिस्प्ले में। बाइक का राइड एंड कम्फर्ट सब कुछ सही है, माइलेज आपको लगभग सही माइलेज दे ही देती है बाइक, और बाइक का डिज़ाइन सेगमेंट और बाइक का हैंडल कम्फर्ट आपको बहुत अच्छा मिलता है। और मुझे लगता है कि बाइक में अगर हैंडल कम्फर्ट सही मिले तो आपको बाइक ज़रूर वही चूज़ करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप पटना में रहते हैं तो पाटलिपुत्र हीरो जाइए, टेस्ट राइड लीजिए, वहाँ पे आप टेस्ट राइड लेके एक बार चेक कीजिए कि 125 सीसी सेगमेंट में आपको कौन सी बाइक अच्छी लग रही है टेस्ट राइड के दौरान भी। तो टेस्ट राइड लेना ज़रूरी है अगर आप कोई बाइक लेने जा रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हीरो सुपर स्प्लेंडर आज की डेट में कैसी परफॉर्मेंस दे रही है और आपको कितनी पसंद आ रही है। तो चलिए इसके ऑफ रोड की हम बात करते हैं कि ऑफ रोड में ये कैसी चलती है। अब बारी आती है ख़राब रास्तों पे चलाने की, तो ख़राब रास्तों पे भी चलाएं हम तो, क्योंकि मैं यहाँ तक लेके आया इसको, तो कुछ खास दिक्कत नहीं आ रही है। हम लोग दो लोग इस बाइक पे बैठे हुए हैं और आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कितनी ख़राब जगह है, क्योंकि मिट्टी और जो गड्ढे गड्ढे से बने हुए हैं पानी से, उस पर हम लोग चला रहे हैं। तो हैंडल पर भी बहुत ज़्यादा भार नहीं आ रहा है, यहाँ पर हैंडल एक होता है कि हैंडल जो है वो आपको ज़ोर से पकड़ना होता है, वैसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, हल्के हाथों से भी आप हैंडल पकड़ के इसको चला सकते हैं। और बाकी जो गियर रेशियोज़ की बात होती है कि गियर जो है वो बहुत जल्दी चेंज करना पड़े, ऐसा कोई बात नहीं है, टॉर्क इतना सफिशिएंट है इसमें कि आप किसी भी गियर में जो है आसानी से जो है इस रास्तों पे चला सकते हैं। तो ख़राब रास्तों पे भी चलाने में हम इसको एक अच्छा स्कोर देंगे कि आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ख़राब रास्तों पे चलाना है। इवन इसका जो वेट है जो कि 122 kg इसका ड्रम वेरियंट का आता है, और डिस्क वाला आप लेते हैं तो 123 kg का वेट आता है, तो 123 kg के वजन के साथ आपको एक ख़राब रास्तों पे जो कंफर्ट होना चाहिए काफ़ी हल्की लगेगी, आपको गांव की सड़कों में चलाने में कहीं भी कोई भी दिक्कत जो है इस बाइक के साथ नहीं आने वाली है। ये बाइक उस जगह पे जो है मुझे एक अच्छा लग रहा है, मतलब एक अच्छा रैंक दूंगा मैं। बाकी जब पर चढ़ाई की बात आती है तो यहाँ पर आप देखिए कितनी खास जो है वो चढ़ान है, तो और दो लोग हम लोग बैठे हुए हैं और देखते हैं कोई आगे पीछे चक्का जो है वो उठे ना, क्योंकि वजन के साथ साथ क्या होता है, हम कभी कभी पीछे का आगे का चक्का जो है वो उठ जाता है, ज़्यादा एक्सलरेट करते हैं तब। उस सिचुएशन में अभी कुछ भी नहीं किया इसने, बहुत ही शांति से मैंने जो है इसको एक्सलरेट किया, हल्का एक्सलरेट किया और गाड़ी जो है इसके ऊपर चढ़ गई। तो टॉर्क जो होता है ना वो कम नहीं पड़ता है, या फिर बाइक अचानक से जो झटके से बंद होती है वो वाली प्रॉब्लम इसमें नहीं आ रही है मैं देख रहा हूँ। तो इसका जो ओवरऑल इंजन का कॉन्फ़िगरेशन है, जो फ्यूल इंजेक्टेड है, वो काफ़ी सही जो है वो सेट किया गया है इसमें। बाइक ट्रैफिक में कैसी चलती है उस टॉपिक पर हम बात करें, तो ट्रैफिक के लिए इसमें एक ऑटो सेल भी दिया गया है। कि ऑटो सेल क्या होता है, कैसे काम करता है, उसके बारे में अगर बात करें तो ऑटो सेल इस तरीके से काम करता है कि मान लीजिए आप बाइक में ट्रैफिक में जो है, मान लीजिए आपका बाइक जो है वो रुक गया सिग्नल पे या फिर कहीं पे भी ट्रैफिक में, तो जब आप फर्स्ट गियर पे होंगे तो बिना एक्सीलरेटर के जो है आपकी बाइक जो है वो आगे बढ़ेगी, वो सिस्टम आपको मिल जाता है इसके ऑटो सेल में, तो एक तरह से बोल सकते हैं। प्लस उसके अलावा जैसे कि ये आप देख सकते हैं, हल्का हल्का आप बाइक को जो है बढ़ा सकते हैं, इसके अलावा आप सेकंड गियर पे भी कुछ स्पीड में जो है वो चला सकते हैं, मतलब आपको वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि एक्सीलरेटर लें। तो फर्स्ट गियर पे इस तरह से आपने चल गया, मान लीजिए सेकेंड गियर पर भी हम लेते हैं, एक्सीलरेटर आप देख रहे हैं कि मैंने छोड़ दिया, मतलब कुछ भी उसका यूज़ नहीं कर रहा हूँ, फिर भी ये एक प्रॉपर स्पीड जो है वो 7 का स्पीड यहाँ पर देखिए आप मेंटेन कर रही है। तो इस तरह से स्पीड एक मेंटेन करेगी ये अचानक से बंद नहीं हो जाएगी जैसे नॉर्मल बाइक्स बंद होती है। तो ऑटो सेल से आपका ट्रैफिक में जो राइड कंफर्ट है वो काफ़ी जो है वो अच्छा हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद फिर से आप जैसे मतलब बाइक चलाते हैं वो चला सकते हैं, लेकिन जब भी आप उसको छोड़ना चाहें तो आप फर्स्ट सेकेंड गियर पर बिना एक्सीलरेटर दिए हुए बाइक को चला सकते हैं। इससे आपका क्लच प्लेट भी बचता है, क्लच प्लेट का जो हार्म होता है क्लच प्लेट जलने से भी बचता है। तो ये फ़ायदे हैं अगर आप सुपर स्प्लेंडर लेते हैं और ट्रैफिक में चलाते हैं। इसका वजन के कारण ट्रैफिक में इसको कम्यूट करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान है, इवन यू टर्न लेने में भी आपको बहुत ज़्यादा हल्की महसूस होती है, कोई भी दिक्कत नहीं होता है, और दो लोगों के साथ मुझे अभी तक हाथ पे कोई भार जो है वो पीछे वाले सीट का जो है महसूस नहीं हुआ है, जो कि बहुत सारी बाइक्स में जो है महसूस होता है। तो इसका मैंने आपको हाईवे राइड, सिटी राइड, स्पीड में आप कैसे चलते हैं वो सारी राइड के बारे में बताया, खास क्या है इसके बारे में, माइलेज क्या है, वो सब कुछ बताया। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप सुपर स्प्लेंडर के बारे में क्या सोचते हैं। बाय बाय।